बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले हमने डेरिवेटिव निकाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, जिसमें जो था रैशनल एक्सप्रेशन थे, कुछ इरेशनल एक्सप्रेशन थे, लेकिन उनमें साइन कॉस टैन सिकेंट को सिकेंट कॉट इस टाइप का फंक्शन हमारे पास नहीं था। अब हम इन फंक्शन के डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले हम साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना चाहेंगे, वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, जब भी आपने कोई एक तरह का जैसे फार्मूला ही ड्राइव करना है, इसको हमने बाय डेफिनेशन ही सॉल्व करना है। बाय डेफिनेशन सॉल्व करने का वही मेथड है जो हमने पहली एक्सरसाइजेज में किया है। इसमें हम वाई प्लस डेल्टा वाई लेते हैं, फिर वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स के साथ, और फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लेंगे। वही सारा हम प्रोसीजर जो है वो करते हैं। अब हमारे पास जो है वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स है, देन वाई प्लस डेल्टा वाई विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, वाई को इस साइड पे ले जाते थे, वाई के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कह ले इसमें से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की है, इसमें से वाई कैंसिल हो जाएगा, दिस फंक्शन माइनस दिस फंक्शन आ जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा वाई आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। दैट मीन्स सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस वन इक्वेशन। आफ्टर दिस यू हैव टू डिवाइड दिस बाय डेल्टा एक्स, चाहे पहले डिवाइड कर लें या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। अब देखिए ये आपने फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, साइन पी माइनस साइन ऑफ क्यू वाला, जब सम में हो या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो, सम में हो या डिफरेंस में हो, तो इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पे ये वाला फॉर्मूला जो है ये अप्लाई किया गया है, दैट इज इक्वल्स टू टू कॉज ऑफ पी प्लस क्यू बाय टू एंड साइन ऑफ पी माइनस क्यू बाय टू। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, सिंस दिस वन इज इक्वल टू दिस, तो इससे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। काफी सारे ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें ये वाले फार्मूले डेरिवेटिव डेरिवेशन करते हुए या डेरिवेटिव लेते हुए यूज होंगे, साइन पी माइनस साइन क्यू, या यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला, इसी तरह से कॉज वाले जो है प्लस वाला और माइनस वाला फार्मूला जो है। तो अब इसको हम इसी फॉर्म में, इसमें से देखें हमारा ये जो टर्म है ये सारी पी है और ये जो एक्स है ये हमारा क्यू है, तो पहले हम टू लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर कॉस लिखेंगे, पी प्लस क्यू है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू, पी प्लस क्यू बाय टू है। इसके बाद हम साइन में लिखेंगे, साइन पी माइनस क्यू दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू, ये आ जाएगा पी माइनस क्यू बाई टू। फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, टू कॉज ऑफ एक्स और एक्स आ जाएगा टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू, और ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स, इनकी कटिंग हो जाएगी तो ये डेल्टा एक्स बाय टू आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर लेना है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू टू कॉज ऑफ टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू। ये टू को भी दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट हम डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेटली आपने डिवाइड किया और ये साइन डेल्टा एक्स बाय टू आ जाएगा। यहाँ से टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगी कटिंग होके, जस्ट ये हमारे पास एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें पता है हमने लिमिट अप्लाई करनी है इसके ऊपर, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो जब हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लगाएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सारे का सारा जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगा। देखिए ये भी साइन डेल्टा साइन जीरो और ये भी जीरो होता है और ये भी डेल्टा एक्स, ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ जाएगी, जिससे हमें जो है वो डेरिवेटिव नहीं, जिसकी वजह से हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपने पढ़ा था साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इफ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो दिस वन इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये वाला मैंने आपको करवाया है ये प्रूफ भी, तो आपने ये वाला जो है इसका प्रूफ लेते हुए, ये वाला फॉर्मूला लेते हुए हम इसकी इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। इसमें जो एंगल यहाँ पे होता है वही वाला यहाँ पे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स बाय टू है, यहाँ पे हमारे पास जस्ट डेल्टा एक्स है,
तो आपने 2 के साथ न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। यहाँ पे भी हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। जब दो फ्रैक्शन होते हैं, मतलब एक फ्रैक्शन है इसके ऊपर भी फ्रैक्शन है इसके नीचे भी फ्रैक्शन है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे भी, यानी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या न्यूमिनेटर को भी 2 के किसी भी नंबर के साथ न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को एट अ टाइम डिवाइड किया जा सकता है। अब देखें, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 एंड साइन ऑफ डेल्टा एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2। पूरे के नीचे भी लिख सकते हैं, या जस्ट हमने इतने के नीचे भी डेल्टा एक्स ओवर 2 लगा दिया तो एक ही बात है, ठीक है? क्योंकि हमने इतना फॉर्मूला बनाया, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4 हो तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4 लिख लेंगे, तो ये एक ही बात है, ठीक है? इस तरह से ये पूरे, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस हो फिर हमें दोनों के नीचे सेपरेट सेपरेट लगाना पड़ता है, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मैं इसके नीचे लिख लूँ या इसके नीचे लिख लूँ तो वो एक ही बात है, ठीक है? इसलिए मैंने इसके नीचे लगाने के बजाय, ये क्योंकि मैंने फॉर्मूला जो था वो बनाना था, मैंने इसके नीचे लगा लिया, ठीक है? इसके बाद अब हम इसकी लिमिट जो है वो लगाएंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हमने लगा लेनी है, इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2, ठीक है? अब हमने लिमिट जो है दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लगा लेनी है। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 एंड मल्टीप्लीकेशन में, तो एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स ओवर 2 एंड डेल्टा एक्स ओवर 2 आ जाएगा। अब इसके ऊपर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई हो सकती है तो हमने डायरेक्टली लगा देनी है कॉस ऑफ एक्स प्लस ये डेल्टा एक्स ओवर 2, डेल्टा एक्स को 0 लगाएंगे तो 0 ओवर 2 आंसर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हम सारी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1। ये कॉस एक्स प्लस 0 कॉस ऑफ एक्स ही आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि हमने साइन का डेरिवेटिव लिया था तो वो कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। देयरफॉर डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। इसी तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव जो है वो निकाल सकते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेकेंड का और कोसेकेंड का बाय डेफिनेशन, ठीक है? ये मैं जस्ट लिख देती हूँ, आपने ये सारे जो हैं वो ट्राई करने हैं, अगर किसी में कन्फ्यूजन होगी तो आपने फिर मेरे से पूछ लेने हैं, ठीक है? मैं लिख देती हूँ, आपने ज़ुबानी याद भी रखना है क्योंकि डायरेक्टली जब हमने फार्मूला से करना है, ये बाई डेफिनेशन हमने निकाले, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई साइन का या कॉस का या फंक्शन या किसी और फॉर्म में आएगी तो हमने इसको डायरेक्टली फार्मूला से ही कर देना है। अगर बाई डेफिनेशन कहेंगे इनके तो फिर आपने इसको पूरे उसी प्रोसीजर से ही करना है। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स एंड डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है? साइन का डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो वो कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा, जब हम कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो नेगेटिव साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह से डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है? जब टेन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो सेकेंट स्क्वायर आ जाएगा, जब कॉट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम कोसेकेंट का निकालेंगे या सेकेंट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंट एक्स हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आ जाएगा सेकेंट एक्स और टेन ऑफ एक्स, और जब हम डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू
cot of x, ठीक है। इनमें से ये तीन के डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आते हैं, और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आते हैं। आपने याद रख लेना, यहाँ से जो भी सी से स्टार्ट होता है जिसका नेम भी, उनके आंसर जो है वो नेगेटिव से हैं, ठीक है। कॉस जो है सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। कॉट है, इसका डेरिवेटिव ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी डेरिवेटिव नेगेटिव है। कोसिकेंट है, ये भी सी से स्टार्ट होता है, तो इसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव है, ठीक है। ये सिर्फ एक याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रही हूँ। वैसे इन दोनों के मिलते जुलते हैं, साइन का और कॉस का एक जैसा है, टेन का और कॉट का एक जैसा है। आपको जैसे याद है कि टेन का फॉर्मूला सिकेंट स्केयर के साथ बनता है, कॉट का को सिकेंट स्केयर के साथ, तो इसी रेफरेंस से भी इन्हें याद रखा जा सकता है। सिकेंट का करेंगे डेरिवेटिव तो सिकेंट इंटू टेन आ जाएगा, और जब को सिकेंट का लेंगे तो वो को सिकेंट इंटू कॉट आ जाएगा।